प्रदेश में मिनी आंगनबाड़ी को मुख्य आंगनबाड़ी में समायोजित करने के साथ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर पदोन्नति दी जा रही है, लेकिन इसके लिए एक एक कार्यकर्ता से 12-12 हज़ार रुपए की वसूली करने का मामला भी सामने आया। दरअसल मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लंबी मांग के बाद उन्हें सरकार ने सौगात दी। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के कुछ अधिकारियों ने इसे वसूली का जरिया भी बना लिया। लुंड्रा ब्लॉक के करौली में सुपरवाइजर निधि सिन्हा पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 20-20 हज़ार रुपए मांगने के आरोप लगे हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि अभी 12-12 हज़ार रुपए उनसे वसूले जा चुके हैं और 8 हज़ार रुपए बकाया देने का आदेश है। IBC 24 ने जब पूरा मामला उजागर किया तो क्षेत्रीय विधायक ने इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। वहीं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसमें जांच का भरोसा दिया है। हम लोग के द्वारा नियति सिन्हा मैम के द्वारा 20 हज़ार का डिमांड किया गया था, जिसमें 12 हज़ार हम लोग दे दिए हैं। आदेश आने के बाद फिर 8 हज़ार और देने बोली है, और इसमें हम लोग 20 कार्यकर्ता हैं, सब का पैसा हम लोग लुंड्रा में जाके दिए हैं। मतलब मिनी कार्यकर्ताओं से 20-20 हज़ार रुपये का डिमांड किया गया, और जिसमें हम लोग 12-12 हज़ार रुपये दिए हैं। इसमें 20 कार्यकर्ता हैं जिसका लिस्ट हमारे पास है, और इसमें लुंड्रा ले जाके हम लोग नियति सिन्हा जी को 2,40,000 रुपए दिए हैं। 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर रहे हैं, चूँकि अभी कलेक्टर साहब बाहर हैं तो फाइल भेजते हैं, तो जो भी दोषी पाए जाएंगे जिसके ऊपर ब्लेम लगा गया है तो कार्रवाई करेंगे। तो इसकी निश्चित रूप से इस पर और पता करके और मैं इस पर कार्रवाई कराने के लिए सिफारिश जरूर करूँगा। मैं आपने अगर मेरे में व्हाट्सएप किया है तो मैं बिल्कुल देखूंगी और मामला क्या है इसको समझने का प्रयास करूंगी।